हाईला बाबा मच्छी पकड़ के आ गया। अब तुझको कौन पकड़ेगा रे छुटकू? एंड नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट, आई गो। ए तुम मछली पकड़ के आया है या जंगली मशरूम खा के? अब बोट पर दो पैर वाले चार पैर वालों से पंगा ना ही ले, वरना चार पैर वाले दो पैर पे आएंगे और ला 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 ला, पर्पल शॉर्ट्स में ये मर्मेड का फूफा जिसे बोट ने बाहर फूंका। बोट के आगे मूव होने पर आपको अपने फीट और बॉडी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना होगा ताकि आपका सेंटर ऑफ मास चलती हुई बोट के बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर बना रहे। इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम्स की शुरुआत तब होती है जब किसी चीज के टकराने से आपका बैलेंस मेंटेन ना हो पाए और आप बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर एडजस्ट ना कर पाए। स्लिपरी सरफेस का कम फ्रिक्शन आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है, जिससे आपका बैलेंस बिगड़ता है और आप होते हैं बोट के बाहर।